राजस्थान की धरती हमेशा से ही महापुरुषों और वीरों की भूमि रही है। इस भूमि ने सदा ही अपने वीरों और महापुरुषों पर गर्व रखा है। ऐसा मानना है मेरा कि यहीं पर जन्मे महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी आज हम आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल को देखकर दुश्मन भी उनके कायल हो जाते थे, साथ यही वजह उनको सबसे हर योद्धाओं से अलग बनाती थी। 1576 ईस्वी में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक लड़ाके अकबर के 85,000 लड़ाकों पर भारी पड़े थे। महाराणा प्रताप जब भी युद्ध के लिए उतरते थे तो अपने शरीर पर 204 किलो का वजन साथ लेकर यानी अस्त्र शस्त्र लेकर मैदान में कूद पड़ते थे और अपने घोड़े चेतक को लेकर जब भी वह दहाड़ मारकर निकलते थे तो दुश्मन थर्रा जाते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और उनका कम से कम 80 किलो का तलवार जब भी किसी पर चलता तो वह आधे आध फट जाता। एक बार युद्ध में अकबर के सिपाही सलार बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने आधे आध युद्ध के मैदान में काट डाला था, घोड़े सहित काट डाला था और यह सब देख कर कितने सैनिक वहां से भाग खड़े हुए थे। और अकबर ने यह बात खुद कहा था कि सपनों में कभी कभी महाराणा प्रताप की तलवारें और भाले की आवाज गूंजती है और जैसे लगता है कि महाराणा प्रताप अब आ धमकेंगे। कभी कभी नींद में वह उठ जाते और उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसे थे महाराणा प्रताप। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पर फॉलो करिए।